गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू LBS। टुडेज लेक्चर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर 3, स्टैंडर्ड 6, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या करना है हमें, तो 5 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्या हो गया, ये 5 मल्टीपल्स हो गए, 1 2 3 4 5। सो आवर आंसर इज 5 10 15 20 25 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, सेकेंड 9 9 भी हमें क्या करना है, तो 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके चलो, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। सो 1 2 3 4 5, 5 मल्टीपल्स हो गए। ओके, और आंसर इज 9 18 27 36 and 45 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड है, हमें मैच करना है। ओके, फर्स्ट 35 है। ओके, मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के टेबल में 35 तो नहीं आता ना। ओके, तो ये 35 8 का मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में 35 आता है, यस 7 5 जा 35, तो ये क्या हुआ, इसका आंसर बी। ओके बी हुआ ना, ओके 15 बी, 15 की बात करते हैं अपने, 15 ये हो गया अपना, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 8, 15 8 का मल्टीपल है 9। मल्टीपल ऑफ 70 70 9। फैक्टर ऑफ 30, तो 15 जो है वो 30 का फैक्टर है, यस 15 2 जा 30। ओके, तो 15 क्या हुआ, 30 का फैक्टर हुआ, ये मैच होता है, इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके 16 मल्टीपल, अच्छा इसको टिक कर देते हैं हम, चलो ये हो गया। अब 16 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल में 16 आता है, यस ऑफकोर्स 8 2 जा 16। ओके, मिल गया हमें यहाँ पे कि भाई 16 ए, ये हो गया। 20 तो सी ई और एफ बाकी रहे, चलो देखते हैं। 20 मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल 20 तो हो नहीं सकता है। ओके, फैक्टर ऑफ 50, तो 50 का फैक्टर में भी फैक्टर नहीं होगा 20। ओके, फैक्टर ऑफ 20, हाँ मैंने आपको बोला था कि जो भी नंबर्स होते हैं वो खुद के फैक्टर्स होते हैं, वो अपने फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर ऑफ 20, तो 20 है तो 20 खुद का फैक्टर तो है। ओके, सो आवर आंसर इज एफ, ये हो गया। ओके, अब बाकी क्या रहे, सी और ई। 25 मल्टीपल ऑफ 70, नहीं 70 का मल्टीपल तो 25 नहीं होगा। ओके, फैक्टर ऑफ 50, हाँ 50 का फैक्टर ऑफ 50, 25 जो है वो 50 का फैक्टर होगा। ओके, 25 2 जा 50, सो आवर आंसर इज ई। ओके, मैच हो गए ना, खाली ये जो है वो क्या है, इसमें मैच नहीं होता है, फर्स्ट बी डी ए एफ ई। ओके
नेक्स्ट फाइंड क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 up to 100. ओके, तो 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, कहाँ तक? 100 तक. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99. ओके, इसको 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें कहाँ तक चाहिए? 100 तक चाहिए. अब 99, अब 9 12 जा, तो क्या हो गया? 100 से अप हो जा रहा है. ओके, तो वो हम राइट डाउन करेंगे नहीं. तो कितने मल्टीपल्स हुए? तो 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99. इसके बाद का जो मल्टीपल है वो 100 से, उसकी जो वैल्यू है वो 100 से अप जा रही है. सो हम उसे राइट डाउन करेंगे नहीं. 9 12 जा होगा नहीं, 9 11 जा 99. ये हमारे क्या हो गए? मल्टीपल्स. कहाँ तक के? 100 तक के. ओके, किसके? 9 के. ओके, थैंक यू.